आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित मंच पर भारत सरकार की केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री और पर्यटन विभाग, साथ ही सांस्कृतिक राज्य मंत्री आदरणीय बहन मीनाक्षी लेखी जी और प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, पूर्व एएसजी श्रीमती पिंकी आनंद जी, सीनियर एडवोकेट भी हैं नीरज जी और लीगल सेल के कन्वीनर के त्यागी जी, राजकुमार जी, संकेत गुप्ता जी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर आरएस गोस्वामी जी, कुमार मुकेश जी, डीके सिंह जी, पीयूष गुप्ता जी और मनीष जी, यहाँ उपस्थित सभी इतनी बड़ी संख्या में संविधान दिवस के अवसर पर आए हुए वकील भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि आज 26 नवंबर को संविधान दिवस, जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश में कानून के रूप में लागू हुआ, और हमने वो कालखंड भी देखा है जब भारत 1000 साल के गुलामी के कालखंड में, जहां मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, तब कोई कानून नहीं था। मानवीय और धार्मिक संवेदनाओं को किस तरह से उनकी धज्जियां उस समय उड़ाई गई, फेवर के आधार पर लोगों को न्याय मिलता था, न्याय भी लोगों को एक ऐसा विषय हो गया था कि किसी की अप्रोच होगी, किसी की सिफारिश होगी, कोई सत्ता के नजदीक होगा तो उसको तो सब सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जो सत्ता के खिलाफ होता था उसके लिए संघर्ष ही संघर्ष था। और 1000 साल के गुलामी के काल में ये भारत ने देखा है। आज बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है, गौरव होता है कि आज देश के अंदर भारत का कानून लागू है और संविधान पूरे देश में एक अच्छे रूप में काम कर रहा है। लेकिन आज भी कुछ ताकतें ऐसी हैं, देश की आजादी के बाद कांग्रेस के समय हम लोगों ने जरूर देखा है कि इमरजेंसी में किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, संवैधानिक मान्यताओं को किस तरह से बेपरवाह होके देश के अंदर इमरजेंसी थोपी गई, और एक सामान्य न्याय भी उस समय लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस संविधान दिवस को मना रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हमारा मानना है कि संविधान सर्वोपरि है, और इसीलिए हमें इस बात का गौरव होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में हमेशा उस अनुरूप बदलाव होने चाहिए, और उन्होंने धारा 370 जो संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ थी उसको भी समाप्त करने का काम देश की संसद ने, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। और आज कश्मीर वो उदाहरण है कि जहां अनुसूचित जाति को न्याय मिले, जहां वाल्मीकि समाज को न्याय मिले, जहां महिलाओं को सम्मान और न्याय मिले, उसमें भी एक बड़ी सफलता भारत की संसद को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिली है, और ये स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान की रक्षा के लिए एक संकल्प भी है। क्योंकि इंक्लूजन फॉर ऑल, समावेशी विचार और समावेशी कार्य प्रणाली ही इस संविधान की विशेषता है। जिन लोगों को, जिन वर्गों को आजादी के बाद या आजादी से पहले किसी भी कारण से वो न्याय से वंचित रहे, वो समावेश से वंचित रहे, वो मुख्य धारा में आने से उनको रोका गया, उनको भारत के अंदर जब संविधान लागू हुआ तो उस संविधान की धाराओं के अनुसार, संविधान के अनुसार वो भारत को मजबूत बनाने के लिए मुख्य धारा में शामिल हो, ये संविधान का मुख्य ध्येय और उद्देश्य है। और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्पित है। आज इस संविधान दिवस के अवसर पर, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर, जहां कल हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल द्वारा आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में, जिसमें बहुत सारे दिल्ली के तमाम कोर्ट्स के वकील हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबको बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ कि दिल्ली के अंदर भी एक ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं संवैधानिक मान्यताओं को संविधान के खिलाफ काम करती है। और वो चाहे दिल्ली के अंदर एक नई लिकर पॉलिसी को लाना है, या दिल्ली के अंदर जिस तरह से वो समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, सिर्फ वोटों की सियासत के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, आज इस संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी ये आगाह करती है कि आने वाले दिनों के अंदर हम संविधान की रक्षा के लिए और दिल्ली के नागरिकों के हितों के लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष भी छेड़ेंगे और उस संघर्ष को कामयाब भी करेंगे। मैं आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय आदेश गुप्ता जी को, क्योंकि दिल्ली में झुक्की सम्मान यात्रा चल रही है, पिछले महीना भर पूरा होने वाला है, आज अगला कार्यक्रम उनका है, हमारी वजह से काफ़ी लेट हो गया, वरना 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है दिल्ली। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया, इस कार्यक्रम में आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम सबका मार्गदर्शन किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय केंद्रीय मंत्री राज्य का जो काम देख रही है, लीगल सेल ऑल इंडिया चेयरमैन रही, एएसजी रही, ऐसे हम सब लोगों के लिए लंबे समय तक काम कर रहे हैं, हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट हैं पिंकी आनंद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, दूसरों के अंदर पदाधिकारी रही,